अस्सलाम वालेकुम, फैंस टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता कई रोज से धरना देने वाली कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP से अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर निमटने और उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के कारकुनों ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक साधुकी में पुलिस ने कलदम तंजीम के कारकुनों को मुंतशिर होने की हिदायत की। कलदम तंजीम के एहतजाज के बाइस रेलवे इंतजामिया ने पिशावर और रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र रेलवे इंतजामिया ने पिशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को मुतबादिल रूट से चलाने का फैसला किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बआसानी शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए। इंग्लैंड ने 125 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। मुल्तान में खातून को हूर के तौर पर करने पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजहार बरहमी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बयान मुकरर करने की तजवीज दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कहना है कि इस्लाम में इस तरह खवातीन को हूर बनाकर पेश करना इंतहाई गलत इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के बाद मुस्बत खबर सामने आ गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स की सपोर्ट फंड का ऐलान कर दिया। ये रकम सऊदी फंड्स बराए तरक्की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगा। फवाद चौधरी ने बताया, इसके अलावा सऊदी अरब एक साल के दौरान रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 1.2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखने पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1.2 अरब डॉलर की रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग पर भी मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सऊदी अरब हमेशा से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा है। बशमूल सऊदी अरब ने ऐसे वक्त पाकिस्तान का साथ दिया जब दुनिया को महंगाई का सामना है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने की सूरत में अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने कौमी असेंबली को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। कमिश्नर कराची ने नसला टावर को धमाके से गिराने के लिए कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने नसला टावर को मिसमार करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का तरीक़ाकार इख्तियार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद कराची की इंतजामिया इमारत को गिराने के लिए मुतहर्रिक है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ आज यौम सियाह मना रहे हैं। यौम सियाह के मौके पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने यौम सियाह पर पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। 7 दहाइयों में भारत ने कश्मीरी आवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। और लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। लकी मरवत में थाना सदर पुलिस स्टेशन की मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि वांडा मीर आलमी के इलाके में उन पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से ASI समेत 4 अहलकार शहीद हो गए और मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क, और क्लिक करें पहला आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट फैज़ डॉट टीवी।